हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बुलेट नॉट कनेक्टेड, यानी कि आपकी जो बुलेट है वो रजिस्टर नहीं हो रही बंदों को, तो वो किस कारणवश नहीं हो रही और क्या ग्लिचेस हैं BGMI के और उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यार सभी लोगों का भाई, 2.5 के बहुत नज़दीक हैं हम और जल्दी हम 3K सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट करने वाले हैं। और अभी बात करते हैं आपके बारे में, तो आप मतलब आए हो इस वाले वीडियो को देखने, तो समझो आप कुछ अलग तो है आपके अंदर कि आप सीखना चाहते हो, कि आप नूब तो नहीं हो, मतलब नूब नहीं हो आप प्रो, क्योंकि एक प्रो बंदा ही आगे की टिप्स को फॉलो करके और अच्छा गेम प्ले कर सकता है अपना। क्योंकि अब नूब्स को प्रॉब्लम आएगी तो नूब्स क्या करेगा, कुछ नहीं, वो वीडियो देखेगा ही नहीं। ताकि जो अच्छे बंदे हैं उन लोगों को अगर प्रॉब्लम आएगी वो तो देखेंगे भाई, सीखेंगे और उसको प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो आपके साथ ही अगर प्रॉब्लम है तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो इसमें मैं कुछ आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको सही करना है भाई। 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 80-90% आपका जो ये वाला ग्लिच है फिक्स हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो आगे फिर और भी एक सेकेंड वीडियो डाल देंगे पार्ट टू में, जो कि और भी प्रो टिप्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। सबसे पहले तो इस वाले में बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्रोशियर प्लेसमेंट, यानी कि जो आपका ये 5 बिंदु दिख रहा है ये वाला, अगर आपका पूरा फुल बॉडी या फिर हेड पे है और आपकी गोलियां नहीं लग रही तो लोचा है भाई, ठीक है। और अगर यही आपका बॉडी या फिर हेड पे नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्रोशियर का प्लेसमेंट ही सही करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्रोशियर प्लेसमेंट, आपका क्रोशियर अपना सुधारो भाई, सारी गोलियाँ लगनी चाहिए आपको, मतलब आपका एक्यूरेसी तगड़ा होना चाहिए। और दूसरे पे बात करते हैं हम जायरो, अगर आप जायरो यूज़र हो तो अपना हैंड स्टेबल रखो भाई, अगर तुम ज़्यादा हिलाओगे तो फिर एम चौक होगा। तो इसलिए जो आपका अगर आप जायरो हो या फिर नॉन जायरो हो तो उस तरीके से आपको अपना मैनेज करना है, ठीक है। अभी तीसरे जो तीसरा पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका इंटरनेट, क्योंकि लगभग 90% केस में जो आपका इंटरनेट है उसी के कारण आपकी गोलियाँ नहीं लग पाती। वो क्या होता है आपका, या तो स्लो होता है या फिर आपका पिंग हाई होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं इंटरनेट के। तो अगर आपका इंटरनेट नहीं चलता, मान लिया आप वाईफाई पे खेलते हो तो वाईफाई पे भी आपकी गोली नहीं लगती, 20 की पिंग दिखाता है तो गोलियां नहीं लगती, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आपको आप अपना जो वाईफाई है उसको रिबूट कर सकते हो। रिबूट करने के बाद आप दोबारा एंटर करोगे गेम में तो प्रॉपर चल पाएगा। और अगर जब भी नहीं चलता तो फिर आप क्या कर सकते हो, गेम रीस्टार्ट कर सकते हो, आपका जो बैकग्राउंड में ऐप है उन बैकग्राउंड के ऐप को हटा के आप गेम चलाओगे तो एकदम स्मूथ चलेगा और मस्त चलेगा, ठीक है भाई। और अभी बैकग्राउंड ऐप के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड का जो ऐप है वो आपका जो आपका डाटा है बहुत सारा कंज्यूम करता है, तो इस वजह से आपका जो जो आपका गेम है उसको प्रॉपर डाटा नहीं मिल पाता, तो इस वजह से आपका पिंग सो तो करता है 20-25 के आसपास, लेकिन जो आपकी गोलियाँ है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाती। तो भी हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, जो है लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि आप ट्रेनिंग नहीं करते हो, सीधा घुस जाते हो भाई 1v1 में, तो ऐसा करोगे तो फिर तो गोलियाँ लगेगी नहीं भाई। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि आप ट्रेनिंग व्रेनिंग करो भाई, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 या 20 मिनट, क्योंकि आप गेम तो खेलोगे ही, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फिर आपका हाथ गर्म नहीं होगा, और हाथ गर्म नहीं होगा तो आपको कोई भी पीटेगा, और फिर आपको लगेगा कि हमारी गोलियां कनेक्ट नहीं हो रही। तो गोलियां कनेक्ट तो तभी होगी ना जब आपका हाथ गर्म होगा, हाथ गर्म होगा आपका, तो इसलिए अपना हाथ गर्म करो, ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग ड्रिल्स हैं बहुत सारी, ट्रेनिंग ड्रिल्स हैं वो भी बता देंगे, मतलब वीडियो में मिल जाएगी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग ड्रिल्स, क्लोज कॉम्बैट या फिर ADS इम्प्रूव 1v1 TDM की। और भाई सबसे जो सही चीज़ है ना, वो स्टार्टिंग में आप जैसे गेम ऑन करते हो तो ट्रेनिंग जाओ, ट्रेनिंग जाने के बाद 15 से 20 मिनट तक अलग अलग ट्रेनिंग करो, क्लोज कॉम्बैक्ट ADS या फिर लॉन्ग स्प्रे, मिड रेंज स्प्रे। उसके बाद आप ट्रेनिंग ग्राउंड में बोट्स, जहाँ पे बोट्स मिलते हैं वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल है 1, 2, 3 पर आप खेल सकते हो। और फिर आप खेलो TDM, दो तीन मैच खेलो, TDM दो तीन मैच खेलने के बाद आपका हाथ भी गर्म हो जाएगा, और आपका जो अब बंदे मारोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा अंदर से, तो उससे क्या होगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा और भाई आपकी गोलियां तो बहुत ही तगड़ी लगेंगी, ठीक है। और अभी एक प्रो टिप्स है, तो देखो भाई आज के टाइम में क्या है कि BGMI में ना बहुत सारे ग्लिच है,
तो BGMI अपने ग्लिच भी फिक्स करता है और कभी कभी इसके ग्लिच बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होता है कि एक बंदे की गोलियाँ लगती है तो एक बंदे की गोलियाँ नहीं लगती। तो ये जो टिप है, प्रो टिप है, तो यही है, अगर तुम्हारे सामने वाले बंदे की गोलियाँ लग रही है, तुम्हारे सामने वाले बंदे की गोलियाँ लग रही है तो तुम्हारी नहीं लगेगी, अगर तुम्हारी बढ़िया चिपक रही है गोलियाँ तो उसकी नहीं लगेगी। तो ये वाला ग्लिच तो फिक्स करना पड़ेगा BGMI वालों को। और फिर आता है एम असिस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो एम असिस्ट है। अगर आपका एम असिस्ट ऑफ है, वैसे तो कोई काम नहीं करता BGMI के जो अरीना ट्रेनिंग है इसमें तो कोई आपका एम असिस्ट काम नहीं करता इतना कुछ खास, लेकिन हाँ कभी कभी कर जाता है। अगर आपका एम असिस्ट ऑन है तो आपकी गोलियाँ नहीं लग रही, मान लिया नहीं लग रही और सामने वाले की अच्छी लग रही, तो आप क्या करो, अपना एम असिस्ट ऑफ करो, ऑफ़ करने के बाद जस्ट ऑन करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई गोलियाँ लगने लगेंगी, और अगर नहीं लग रही तो आप एक बार गेम रिस्टार्ट कर लो, ठीक है, आप रिस्टार्ट करो, इस तरीके से आपकी गोलियाँ लगेंगी, और अगर नहीं लगती तब भी तो एक बार फिर से स्टार्ट कर लो। रिस्टार्ट में क्या होगा कि आपका जो भी डाटा है वो सारा का सारा चला जाएगा, तो इससे आपका गेम स्मूथ हो जाएगा और बढ़िया चलेगा गेम। बाकी तो जैसे जैसे तुम खेलोगे, ट्रेनिंग व्रेनिंग करोगे तो बढ़िया आपका क्लोज कॉम्बैट भी तगड़ा हो जाएगा। और बस यही थी, बस अगर आपका वाईफाई का थोड़ा इशू है तो वाईफाई पर आप सेटिंग लगा सकते हो आपके कस्टमर केयर से बात करके, या फिर आप अगर मोबाइल डाटा से खेलते हो तो मोबाइल डाटा पर आप APN चेंज कर सकते हो अपना। APN चेंज करोगे, APN चेंज में अलग अलग सेटिंग करोगे तो आपको बढ़िया नेट देगा। तो गाइज यही थी आज तक हमारी वीडियो, होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार 100 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 आएगा इसका जल्दी, अगर ये वाला काम नहीं